बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनोवेटिव कंप्यूटर साइंस क्लब और मैं हूं आपदा लतीफ़। ICS पार्ट फर्स्ट में आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, जिस क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं, वो है व्हाट इज़ फैक्स मशीन, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। कि फैक्स मशीन क्या है, इसकी टाइप्स कौन सी हैं। फैक्स मशीन देखी होगी आप लोगों ने ऑफिसेज में, चलें अगर रियल में आपने नहीं देखी तो टीवी में तो लाजमी देखी होगी, मूवीज़ में, ड्रामास में। मैं जब छोटी थी, यानी कि जब नहीं पता था इसकी वर्किंग का, तो मैं ये सोचती थी कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक साइड से पेज को इंसर्ट किया जाता है और दूसरा बंदा कहीं और मौजूद है और वो वहाँ से पेज आ जाता है। तो मैं सोचती थी कि पेज रास्ते में किस तरह ट्रैवल करता है, क्या वो उड़ के चला जाता है या कोई कबूतर लेके चला जाता है। तो बहुत अजीब अजीब ख्यालात माइंड में आते थे कि पता नहीं ये फैक्स मशीन क्या बला है और ये किस तरह काम करती है कि एक साइड से पेज डालते हैं और दूसरी साइड से उसको रिसीव कर लेते हैं। उम्मीद है आप में से बहुत सारे लोग ये चीज़ सोचते होंगे, यानी जिन्होंने ये चीज़ नहीं देखी या इस वर्किंग का नहीं पता, क्योंकि इस लेवल पे मेंटली बच्चे छोटे होते हैं ICS में और स्पेशली पार्ट फर्स्ट में, तो उन्हें इतनी नो हाउ नहीं होती। ऐसे ओंगे मोंगे क्वेश्चन माइंड में आते रहते हैं जैसे कि मेरे आते थे, तो मैं बहुत हैरान हुआ करती थी, आप भी हैरान होते होंगे। तो आज हम इस हैरानगी पर थोड़ा इसी बात करेंगे और इसको ख़त्म करेंगे कि किस तरह फैक्स मशीन काम करती है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें। चलें स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो कि है फैक्स मशीन। तो पहले हम बात करते हैं कि फैक्स मशीन है क्या। चलें सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि फैक्स मशीन काम क्या करती है, काम कैसे करती है, ये मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगी और उम्मीद है उससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। क्योंकि जब एक चीज़ अल्फाज से समझ ना आ रही हो तो उसे डायग्राम्स में समझाएं तो वो बहुत अच्छे से समझ आ जाती है उसकी वर्किंग। तो फैक्स मशीन बेसिकली क्या करती है कि ट्रांसमिट करती है और रिसीव करती है, यानी भेजती भी है और फिर उसको एक्सेप्ट भी करती है डॉक्यूमेंट को। किसके ज़रिए? टेलीफोन लाइन के ज़रिए। अब वो डॉक्यूमेंट क्या हो सकता है, कोई टेक्स्ट भी हो सकता है, टेक्स्ट यानी कि जैसे मैंने ये लिखा हुआ है, कोई इमेज भी हो सकता है या कोई हैंड रिटन कॉन्टेंट भी हो सकता है। इनमें से किसी भी चीज़ को फैक्स मशीन टेलीफोन लाइन के ज़रिए सेंड भी करती है और रिसीव भी करती है। मैं आपको एक डायग्राम से इसकी वर्किंग समझाती हूँ। जी देखिए, मैंने एक हल्की फुल्की डायग्राम बनाई है। वैसे तो यहाँ पे फैक्स मशीन होगी, लेकिन जो कि फैक्स मशीन की टाइप्स हैं और वो सिस्टम के साथ भी कनेक्ट की जा सकती है, इसलिए मैंने इस फैक्स मशीन को एक सिस्टम की शक्ल दे दी है। तो आप इसको फैक्स मशीन ही कंसीडर करें। अब फैक्स मशीन की वर्किंग क्या है कि दो मशीन्स होनी चाहिए डेफिनेटली, एक सेंडर साइड पे और एक रिसीवर साइड पे। तो जो सेंडर डिवाइस है और रिसीवर डिवाइस है, ये आपस में कनेक्ट होंगी टेलीफोन लाइन के ज़रिए, डाटा को ट्रांसमिट करेंगी, सेंड करेंगी। अब ये काम कैसे करेंगी कि ये सेंडर फैक्स मशीन है, ये फ़र्ज़ करें आपने इसके अंदर एक इमेज डाला, इमेज जैसे मैंने बताया कि टेक्स्ट भी हो सकता है जो आपने सेंड करना है, वो कोई इमेज भी हो सकता है, कोई हैंड रिटन डॉक्यूमेंट भी हो सकता है। आप कोई डॉक्यूमेंट सेंड करना चाह रहे हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि यहाँ पे एक इमेज मौजूद है जिससे आप उस साइड पे भेजना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे जो सेंडिंग साइड पे फैक्स मशीन होगी, उस इमेज को कन्वर्ट करेगी डिजिटल फॉर्म में, चूँकि कंप्यूटर हमें पता है कि डिजिटल फॉर्म में अंडरस्टैंड करता है, तो इसलिए उस इमेज को कन्वर्ट कर दिया जाएगा डिजिटल फॉर्म में। वो डिजिटल फॉर्म जो होगी वो ट्रैवल करती हुई रिसीवर साइड पे आएगी। रिसीविंग साइड पे जो फैक्स मशीन मौजूद होगी वो उस डिजिटल फॉर्म को, डिजिटल डाटा को कन्वर्ट कर देगी उसके ओरिजिनल फॉर्म में। ओरिजिनल फॉर्म उसकी क्या थी? इमेज। जैसे कि मैंने फ़र्ज़ किया है कि आप इमेज में डाटा को सेंड कर रहे थे, वो आपकी अपनी ज़रूरत है, आपकी अपनी ख्वाहिश है कि आप कौन सा डाटा सेंड करना चाह रहे हैं, टेक्स्ट है, इमेज है या कोई हैंड रिटन कॉन्टेंट है। तो जो सेंडिंग साइड पे फैक्स मशीन है वो उस डाटा को कन्वर्ट करेगी डिजिटल फॉर्म में, फिर वो ट्रैवल करता हुआ जाएगा रिसीविंग साइड पे। रिसीविंग साइड पे जो फैक्स मशीन होगी वो उस डिजिटल डाटा को कन्वर्ट कर देगी उसके ओरिजिनल फॉर्म में, यानी कि जो उसकी पहली हालत थी, और वो हमें पेज पे प्रिंट होके मिल जाएगा। अब हम इसके टाइप्स पे बात करते हैं कि फैक्स मशीन की कौन कौन सी टाइप्स हैं। फैक्स मशीन की दो टाइप्स हैं, एक डेडिकेटेड फैक्स मशीन और सेकंड पे है फैक्स मॉडम। तो सबसे पहले हम डेडिकेटेड फैक्स मशीन पे बात करते हैं। डेडिकेटेड फैक्स मशीन की बात करें तो ये नॉर्मल एक फैक्स मशीन है, एक मशीन दूसरी मशीन को इन्फॉर्मेशन सेंड करेगी।
इसमें किसी सर्किट बोर्ड, किसी सिस्टम की, किसी का कोई अमल दखल नहीं है, जस्ट मशीन्स हैं। एक साइड पे मशीन होगी और दूसरी साइड पे भी मशीन होगी। तो सेंडर मशीन रिसीविंग मशीन को इन्फॉर्मेशन सेंड करेगी और रिसीवर उसको फिर रिसीव करेगा। बहुत सिंपल है ये। अगर हम फैक्स मॉडम पे बात करें तो मॉडम का वर्ड आपने सुना होगा, ये सिस्टम यूनिट में लगा होता है, सिस्टम बॉक्स में, और इंटरनेट की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है। तो इस तरह फैक्स मॉडम बेसिकली एक सर्किट बोर्ड है जो सिस्टम यूनिट के अंदर लगा हुआ होगा। अब इसका इससे डिफरेंस ये है कि जो फैक्स मॉडम फैक्स मशीन है, ये डेटा को सेंड भी करेगी, रिसीव भी करेगी किसी और कंप्यूटर को भी और फैक्स मशीन को भी। जबकि डेडिकेटेड, अच्छा ये जो वर्ड डेडिकेटेड है ना, इसका मतलब ये है कि मखसूस, मखसूस मतलब ये मशीन टू मशीन डेटा को सेंड करेगा, जबकि जो फैक्स मॉडम है वो सिस्टम को भी डेटा सेंड कर सकता है और फैक्स मशीन को भी डेटा सेंड कर सकता है। आई होप आपको इनका डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि जो डेडिकेटेड फैक्स मशीन है वो सिर्फ मशीन टू मशीन ही इन्फॉर्मेशन को सेंड करेगी, जबकि जो फैक्स मॉडम है, चूँकि ये सिस्टम यूनिट के अंदर सर्किट बोर्ड है, इसलिए ये कंप्यूटर को भी डेटा सेंड कर सकता है और फैक्स मशीन को भी सेंड कर सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा टॉपिक था फैक्स मशीन, और उसकी हमने दो टाइप्स पढ़ी, डेडिकेटेड और फैक्स मॉडम। जैसे कि शुरू में मैंने बताया कि कन्फ्यूजन होगी किस तरह फैक्स मशीन में डाटा मूव होता है, तो उम्मीद है आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होगी। फिर से एक दफ़ा बता दूं कि पेज मूव नहीं करता एक जगह से दूसरी जगह। आपने जो डाटा फैक्स मशीन में जो सेंडिंग साइड पे है उसमें डाला है, वो मशीन उसको कन्वर्ट करेगी डिजिटल फॉर्म में, फिर वो डिजिटल फॉर्म ट्रैवल करके जाएगी रिसीविंग साइड पे, और रिसीविंग मशीन इसको कन्वर्ट कर देगी उसकी ओरिजिनल फॉर्म में, और वो हमें पेज पे प्रिंट होके नज़र आ जाएगा। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और अपने ख्याल आपका इजहार भी कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।